वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। And we are discussing question number 18 and page number 8.51. Question is, Ramesh and Umesh are partners in the firm sharing profit in the ratio of their capital. Ratio capital में given है, यानि कि capital question में Ramesh और Umesh की है 7 lakh और 3 lakh, तो automatically ratio क्या आ जाएगी आपके पास 7:3. On 31st March 2013 their balance sheet was as follows. Question में balance sheet given है, balance sheet में liabilities और assets given है। तो जब भी आप balance sheet से realization account prepare करेंगे तो realization account में आपने जितने भी assets given है question के अंदर, वो सारे के सारे assets जो है realization account के अंदर transfer करने हैं। तो realization account में transfer करने के लिए हम assets कर रहे हैं, पहला आपके पास रखा है bank, bank को हम यहाँ पे transfer नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक ऑटोमेटिकली कैश में अवेलेबल है हमारे पास। दूसरा आपके पास डेटर्स गिवन, आपके पास 2,40,000 के, तो 2 डेटर्स 2,40,000 रुपीज। उसके बाद मेंशन कर रखा है स्टॉक 1,30,000, तो 2 स्टॉक 1,30,000 रुपीज। इसके बाद मेंशन कर रखा है फर्नीचर 2 लाख रुपीज, तो 2 फर्नीचर 2 लाख रुपीज। और उसके साथ साथ गिवन है क्वेश्चन में मशीनरी 9,30,000 रुपीज, तो 2 मशीन 9,30,000। इसके बाद क्वेश्चन में आपके पास करंट अकाउंट भी गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे करंट अकाउंट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में से आपने कैश, बैंक या फिर कोई कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट गिवन है किसी पार्टनर का, तो उसको ट्रांसफर नहीं करना है। उसके बाद अब लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं हम। लाइबिलिटी साइड में गिवन आपके पास क्रेडिटर 1,70,000 रुपीज के, तो बाय क्रेडिटर 1,70,000 रुपीज। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने ध्यान रखना है कि खाली आउटसाइडर लाइबिलिटीज को ही ट्रांसफर करना है और कोई लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्रेडिटर 1,70,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता था एडमिशन के टाइम पे भी और रिटायरमेंट के टाइम पे भी, तो यहाँ पे भी वो वहीं पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया आपके पास करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उसको हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके एसेट्स हैं इनको आपने सेल आउट करके पैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो एसेट्स को रियलाइज करना है, तो क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट गिवन है आपके पास नेक्स्ट पेज पे, रमेश टुक ओवर 50% स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी आपके पास, स्टॉक की वैल्यू थी 1,30,000 रुपीज की, 1,30,000 का 50% यानी कि हाफ बन जाता है 65,000 रुपीज। 65,000 का 10,000 लेस करना है आपने, तो 65,000 में से 10,000 लेस किया आपने, तो 55,000 का आपके पास एंट्री आ गई। इसको लिखेंगे बाय रमेश ब्रैकेट में स्टॉक 55,000 रुपीज। इसके आगे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, आधा स्टॉक तो रमेश ने ले लिया, बाकी बचा आधा स्टॉक यानी कि 65,000 रुपीज। 65,000 को 15,000 लेस पे बेचना है आपने, तो 15,000 लेस हमने बेचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50,000, तो बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक 50,000। इसी में आगे मेंशन कर दिया गया है डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स आपने 5% लेस पे कैश रिसीव करना है, तो 2,40,000 के डेटर्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इसका 5% आता है 12,000, तो 2,40,000 माइनस 12,000 2,28,000 बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स 2,28,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहती है आपके पास फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000। फर्नीचर किसने लिए, उमेश ने, तो बाय उमेश ब्रैकेट में फर्नीचर 50,000। और इसी एंट्री में लिख रखा है मशीन वॉज सोल्ड फॉर 4,00,000
50,000 और मशीन हमने सोल्ड कर दिया, तो बाय बैंक ब्रैकेट में मशीन सोल्ड है 50,000। तो एसेट्स या तो कोई पार्टनर ले जाएगा, अगर पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम लिख देंगे, अगर पार्टनर नहीं लेके जा रहा है और सिंपल बिक रही है तो उसको हम बाय बैंक या बाय कैश के नाम से लिखेंगे। ऐसे ही लायबिलिटी के लिए भी होगा, लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो उसको पार्टनर के नाम से लिखेंगे, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी सिंपल पेड की जा रही है तो उसे भी हम बैंक के नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहती है क्रेडिटर्स वर सोल्ड इन फुल, क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट पूरी कर दी, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, तो 1,70,000 के क्रेडिटर्स से इसकी पूरी पेमेंट कर दी है, तो टू बैंक क्रेडिटर्स 1,70,000। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में ना कह रहा होता, कुछ भी ना कहा होता, तब भी आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी, आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट आपने करनी ही करनी है, चाहे क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे टू बैंक क्रेडिटर 1,70,000। और लास्ट एडजस्टमेंट कहती है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल ऑफ रिपेयर फॉर 1,60,000 विच वॉज सेटल्ड फॉर 1,40,000। तो आपने एक बिल पे कर दिया है रिपेयर का, तो उसकी भी एंट्री आएगी टू बैंक ब्रैकेट में रिपेयर 1,40,000 रुपीज। तो कोई भी पेमेंट हो अगर आपकी फर्म उसे पे कर रही है तो टू बैंक के नाम से आए आपके पास एंट्री आएगी। इसको फिर हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए आपके पास टोटल आता है 18,10,000 का, 18,10,000 में से हमने ये टोटल माइनस कर दिया यहाँ तक का, तो आपका आंसर आता है 8,07,000, यानी कि 8,07,000 का लॉस है, इसी वजह से फॉर्म जो है डिसॉल्व हो रही है। उसे लिखेंगे बाय लॉस 8,07,000 और इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो, रेशियो क्वेश्चन में थी 7:3 कैपिटल रेशियो, तो 7:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो रमेश कैपिटल अकाउंट 5,64,900 और उमेश कैपिटल अकाउंट 2,42,100। तो ये बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। गुड बाय स्टूडेंट्स।